नोएडा में प्रदूषित हुई हवा, नोएडा का एक्यूआई 400 पहुंचा, सेक्टर 62 का एक्यूआई 397 दर्ज किया गया, ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई भी 350 के पार, ग्रैप 3 का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए, नोएडा का 400 पहुंच गया है। अलग अलग जगहों की बात करें नोएडा में, तो सेक्टर 62 में एक्यूआई 397 दर्ज किया गया, ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 350 के पार दर्ज किया गया, ग्रैप 3 का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। तो लगातार हवा किस तरीके से प्रदूषित। नोएडा की हवा आज बेहद जहरीली है, एक्यूआई 400 तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाके की अगर बात की जाए तो सेक्टर 62 का एक्यूआई 397 दर्ज किया गया है। नोएडा की तस्वीर आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से आसमान में जो पोल्यूशन की चादर है वो पूरी तरीके से छाई हुई है, और इस पोल्यूशन की वजह से लोगों की सेहत पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे और बुजुर्गों की सेहत पर ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। अस्पताल में पहुँचने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा है। डॉक्टर कम से कम घरों से निकलने की सलाह दे रहे हैं और मास्क लगाने की सलाह देते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों को जो अस्थमा से ग्रसित मरीज हैं उनकी सेहत और ज़्यादा बिगड़ने के कई मामले सामने आ चुके हैं। बच्चे लगातार पोल्यूशन की वजह से अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। लिहाजा दिल्ली एनसीआर में सख्ती बरतते हुए ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है, लेकिन ग्रैप 3 लागू होने के बाद भी जो पोल्यूशन का लेवल है वो लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। नोएडा प्रदूषण नियंत्रण विभाग की अगर बात की जाए, आज से जुर्माना लगाने की कार्रवाई करने का दावा प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा किया गया है। ग्रैप 3 की पाबंदियों का पालन जिन इलाकों में नहीं होगा उन इलाकों में जाकर प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम लगातार निगरानी करेंगी और नियमों की अनदेखी पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। जिस तरीके से नोएडा का एक्यूआई 400 के पास बना हुआ है, वहीं ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई भी 350 के पार बना हुआ है, जो लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली का एक्यूआई 400 के पार है, वहीं ग्रैप 3 लागू होने के बाद भी पोल्यूशन में गिरावट दर्ज नहीं हो रही है। बढ़ते पोल्यूशन से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ विशाल पांडे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनसीआर में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। निर्माणाधीन समेत कई कार्यों पर रोक लगा दी गई, यानी कि आप निर्माण कार्य नहीं कर सकते, तोड़फोड़ नहीं कर सकते। गाजियाबाद में पोल्यूशन की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं बढ़ते प्रदूषण से बुजुर्गों और बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे ने दस्तक दे दी है, वहीं ठंड का प्रकोप अब दिखने लगा है। पहाड़ी क्षेत्र में हुई बर्फबारी होने के बाद अब मैदानी क्षेत्रों में ठंड दिखने लगी है। विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को वाहनों की लाइट जलाकर मजबूरन चलना पड़ रहा है। वहीं बात करें प्रदूषण की, तो प्रदूषण का भी स्तर लगातार खराब होता दिखाई दे रहा है। ग्रैप 3 लागू कर दिया है, जिससे बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। फिलहाल दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। बढ़ते पोल्यूशन और कोहरे का डबल अटैक दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलना पड़ रहा है। हालांकि पोल्यूशन से लोगों को निजात मिलती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। एक बार आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, तस्वीर NH9 की है, जहां आपको कोहरा ही कोहरा आपको दिखाई देगा। लोगों को मजबूरन लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है। फिलहाल पोल्यूशन और कोहरे का डबल अटैक दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।